तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे Naukri.com पेड सर्विस के बारे में। मैंने एक दो वीडियोस और इस पे बनाए हुए हैं, आप चाहो तो वो देख सकते हो। एक्चुअली मैंने उसमें जो बताने की कोशिश करी है वो लोगों ने उस चीज़ को नहीं समझा है, उस पे रिलेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। तो मैं आपको आज बताता हूँ। देखो, एक तो नॉर्मल Naukri.com होता है जहाँ पे आपको डे बाय डे आपका CV अपडेट करना पड़ता है टॉप पे रहने के लिए, कि आपको ज़्यादा कॉल्स आएँ, ईमेल्स आएँ या आपका इंटरव्यू कहीं कंडक्ट हो पाए। तो इसके लिए आपको डेली वहाँ पे आपको पोर्टल पे जाके अपडेट करना पड़ता है। दूसरी एक सर्विस होती है Naukri.com की पेड सर्विस, जिसमें बेसिक और प्रीमियम दो फीचर्स होते हैं। तो बेसिक या प्रीमियम, मैं दोनों को लेके एक ही बात आज मैं करता हूँ, डिटेल में बताऊँ। देखो, पेड सर्विस में क्या होता है, बेसिकली कैटेगराइज होता है वहाँ पे कि आपको आपका CV हमेशा अप टू डेट रहेगा, टॉप पे रहेगा, आपको कॉल्स ज़्यादा आएंगी, आपको ईमेल्स ज़्यादा आएंगी, सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, ऐसे ऐसे वो फीचर्स वहाँ पे बताते हैं। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप कभी Naukri.com की एक पेड सर्विस खरीदते हो, पेड सर्विस में ये फीचर्स आपको मिलते हैं। अब फीचर्स आपको मिलते हैं, आप अपना जब रिज्यूमे उस पर अपलोड करते हो, कैटेगरी सेलेक्ट करते हो कि हमें इस जॉब कैटेगरी की जॉब हमें चाहिए या हमने इसके लिए अप्लाई किया है। अभी होता क्या है कि उसके साथ अगर आपने सही से जॉब कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करी है तो आपके पास इररिलेटिव मैसेज भी आएंगे, इररिलेटिव कॉल्स भी आएंगे। हो सकता है आपने अपडेट किया है कि हमें नेटवर्क की जॉब चाहिए, आपने अपडेट किया कि भैया नहीं, हमें लिनक्स की नौकरी चाहिए, नहीं हमें क्या AWS क्लाउड की जॉब चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आपको हो सकता है कॉल सेंटर के भी कॉल्स आ जाएंगे, सर्विस डेस्क के भी आ जाएंगे, जो टेक्निकल इंजीनियर होते हैं उनके, हो सकता है उनके कॉल्स आ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। बट दोस्तों, ये दोनों एंड से प्रॉब्लम होती है, दोनों एंड से इशूज़ होते हैं। कई बार लोग अपना प्रॉपर CV अपडेट नहीं करते हैं, जॉब कैटेगरी प्रॉपर सेलेक्ट नहीं करते हैं। सेकेंड, Naukri.com क्या करता है कि आपको कई बार भी इररिलेटिव मैसेज या कॉल्स भी दे देते हैं। आपने टेक्निकल इंजीनियर के लिए डाला, हो सकता है आपके पास कॉल सेंटर की भी कॉल आ जाए, क्योंकि जो AI है इतना अच्छा Naukri.com का नहीं है, या मतलब इतना अच्छा अभी डेवलप हुआ भी नहीं है, आया भी नहीं है। ChatGPT की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो, आप क्या करते हो, आपने अगर कभी नेटवर्क लेवल पे या कभी सिक्योरिटी लेवल पे काम किया होगा तो आपको पता होगा कि आप एक बार जो कैटेगरी सेलेक्ट कर देते हो, कि जैसे मान लो फॉर सपोज 10 कैटेगरी, जॉब्स एंड कैरियर्स का, सेक्सुअल हरेसमेंट का, थेफ्ट का, ऐसी कैटेगरी आपने कुछ सेलेक्ट कर दी हैं, तो उसमें क्या होता है कि अब आपने जैसे फायरवॉल्स वगैरह होते हैं, अब आपने कोई भी ब्राउज कोई भी वेबसाइट पे आपने सर्च किया, तो हो सकता है वो वेबसाइट सिक्योर हो, सही हो, लेकिन फिर भी वो सेक्स एंड हरेसमेंट में आ जाता है, कहीं कई बार वो सिक्योरिटी थेफ्ट में आ जाता है। तो हो सकता है कि वो साइट उससे बिलोंग नहीं कर रही होती, लेकिन उस कैटेगरी में वो आ जाती है। तो कई बार ये भी हो जाता है कि Naukri.com से हो सकता है आपको अननेसेसरी कॉल्स आ जाएं, या हो सकता है कि आपकी जो CV है वो किसी और के हाथ लग जाए फिल्टर करने में। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा। देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये वीडियो प्रमोटेड नहीं है, Naukri.com ने मुझे पैसा नहीं दिया है, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो, 100% एक्यूरेसी के साथ तो कोई काम कर नहीं पाता है, ना वो हो पाता। तो 100% एक्यूरेसी Naukri.com भी नहीं देता है कि आपको जॉब मिली जाएगी, शॉर्ट लिस्टेड हो ही जाओगे, आपके पास कॉल्स आएंगी, आपके पास ईमेल्स आएंगे, आपके पास मैसेज आएंगे। ये 100% सिक्योरिटी आपको रिटर्न में नहीं देता है। बट हाँ, जब आप पेड सर्विस लेते हो तो आपके आपके कॉल्स की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, आपको मैसेज भी आते हैं, आपको CV अपडेट भी करना पड़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी हमेशा कभी लें तो एक बेसिक प्रोफाइल के लिए लें, प्रीमियम में ना जाएं, चार्ज भी ज़्यादा होता है और कुछ पॉइंट आपको अलग मिलते हैं, बाकी सेम होता है। अगर आपको सच में पेड सर्विस खरीदनी है तो आप बेसिक लेवल पे जा सकते हो, इसमें आपको डेली अपडेट नहीं करना पड़ेगा, कॉल्स भी आएंगी और अननेसेसरी भी कॉल्स आएंगी, आपको कॉल सेंटर की भी आएंगी, तो उसके लिए भी रेडी रहो आप। अगर आपको ये सबसे प्रॉब्लम नहीं तो आप Naukri.com की पेड सर्विस ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप डेली रिज्यूमे अपडेट कर सकते हो, प्रॉपर अपडेट रह सकते हो, जॉब कैटेगरी प्रॉपर सेलेक्ट कर सकते हो, मस्त सा रिज्यूमे बना सकते हो और डिस्क्रिप्शन मस्त डाल सकते हो Naukri.com के पोर्टल पे, तो डेफिनेटली आप फ्री सर्विस को भी लेके जॉब आपको मिल जाती है। 100% है कि आपको फ्री सर्विस में भी जॉब मिलती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।